हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के अंदर आपका स्वागत है। और इस महीने के जो स्टॉक के अंदर मैं शेयर्स लाया हूँ वो आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ जो है चर्चा करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। और वो चर्चा ये कि ये जो बिज़नेस है ये वास्तव में पैकेजिंग वाली जो बिज़नेस है उससे रिलेट करता है। पैकेजिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें पैक होती हैं उनके लिए, पैकेजिंग मटेरियल जो बनाती हैं कंपनीज उनके लिए। इसमें बहुत सारे जो हैं पॉलीमर्स के हैं जो बिजनेसेस हैं, प्लास्टिक्स है और पोलिस्टर चिप्स है, पोलिस्टर फिल्म्स है, और इसी तरीके की बहुत सारी कंपनियां कभी ना कभी मेरे पोर्टफोलियो में रही हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। उस सेक्टर की एक कंपनी जो सबसे लंबे समय मेरे पोर्टफोलियो में रही वो थी कॉस्मो फिल्म्स। हालांकि मेरे बेचने के बाद भी वो शेयर्स जो है अभी भी वहाँ से भी 2-3 गुना हो चुका है। इसके अलावा एक और शेयर था जिंदल पॉली फिल्म्स, तो जिंदल पॉली फिल्म्स में भी हम इन्वेस्ट किया था हमने और अच्छे पैसे निकाले थे। इसके अलावा एक और शेयर था यू फ्लैक्स। हालांकि अभी भी तीनों कंपनियाँ जो हैं शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, अच्छी वैल्यूशन रखती हैं। अब जिस कंपनी की मैं आपके साथ बात करूँ, ईस्टर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये कंपनी कभी जो है आज से अगर हम 10-15 साल पहले जाएँ तो ये कंपनी सिक कंपनी हो गई थी, ये बीमार हो गई थी और ये लगभग बंद होने की कगार पे आ गई थी। और इसके अंदर BIFR जो है सिक कंपनीज़ के मामले में जो बोर्ड था, जो फैसले लेता था, जैसे आज की डेट में NCLT है, तब इसको दोबारा से रिवाइव करने का जो है प्लान किया गया और हाई कोर्ट ने फिर उसकी परमिशन दी और ये कंपनी काफ़ी समय तक जूझती रही। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन पिछले 5 साल से ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन वैल्यूशन वाइज कोई बहुत अच्छी वैल्यूशन इसको नहीं मिल रही है अभी भी। पीछे हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो आज से 3-4 साल पहले इस कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेक जो है आशीष कचोलिया जी ने खरीदा था। हालांकि उनकी होल्डिंग अब 1% से नीचे चली गई है, इसलिए आपको डिस्क्लोज़र में नहीं होगा, हो सकता उससे भी नीचे चली गई हो, तो ये पक्के सबूत नहीं है कि आशीष कचोलिया जी के पास आज की डेट में ये शेयर है या नहीं है। बट ये काफ़ी समय तक जो है आशीष कचोलिया जी ने रखा था और उस समय इस शेयर का भाव हुआ करता था तकरीबन, जब उन्होंने लिया था, 40 रुपये के आसपास का। हालांकि अभी शेयर 129 रुपीज़ के आसपास है। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर एक और चीज़ है, क्योंकि मैं इस कंपनी से रिलेटेड जो इसका इतिहास है वो आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब मैं इसका बाकी जो चीज़ें बताऊँ, मुझे जो फेवरेबल चीज़ें लग रही हैं, तो आप अपने आप इसको इवेल्यूट कर पाएँ। इसके अलावा इस पूरे बिज़नेस के अंदर अगर हम देखें तो ये जो बिज़नेस है सिख रह चुका है, एक तो ये एक इशू है हमारे लिए। हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई है, अब तो शायद वो हालात ही नहीं है, क्योंकि उस समय पर इतनी ग्रोथ वगैरह भी नहीं थी और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी नहीं थी और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी नहीं थी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, अभी भी इस कंपनी के अंदर 500 करोड़ से ऊपर का डेट है, तो इन्होंने पीछे एक्सपेंशन किया था और अभी एक्सपेंशन जारी है। तो उस सेक्टर के अंदर जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ये बिज़नेस ख़राब कर सकता था इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में इसने अच्छा रिज़ल्ट दे दिया और मैं इसको काफ़ी समय से फोकस कर रहा था, और लेकिन रिज़ल्ट इन्होंने इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे दिए, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जो भी रिज़ल्ट आए उससे आधे आने चाहिए थे, लेकिन उन सब के बावजूद अच्छे रिज़ल्ट आए, तो इसका मतलब ये कि जितनी एडवर्स सिचुएशंस थी वो पिछले क्वार्टर में थी, एक्सपेंशन का बेनिफिट इनको मिल रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बोरिंग्स जो डेट है ना वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, लेकिन वो मोस्टली जो है ग्रोथ करने के लिए जो है लिया गया है, तो उस एंगल से आप सोचिए। शेयर का भाव है 129 रुपीज़ और तकरीबन 8 की P/R पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही मतलब रीजनेबल वैल्यूशन है, ये तो नहीं कहेंगे आप महंगी। अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ, 188 रुपीज़ का भाव था जो अभी 129 है, तो हमें लगता है कि आज भी 2.64% की इसमें कमजोरी रही है और ऐसा हो सकता है कि ये शेयर आपको यहाँ से 9 रुपये और सस्ता भी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। इसका जो मेजर बेस है जो अभी इन प्राइज़ के आसपास है, जिन प्राइस पर ये शेयर काम कर रहा है, अगर आप वहाँ देखें तो 120 रुपये का ये जो भाव है ये काफ़ी अच्छी स्पोर्ट जो है रही है इसने, जो पीछे पास्ट में अगर हम बात करें तो, अगर पिछले 1 साल के दौरान अगर आप देखें तो बहुत बार इसने 120 रुपये पे जो है स्पोर्ट ली है।
तो उन एंगल से भी देखें तो 120 रुपये के आसपास एक अच्छा भाव हो सकता है। और जिन लोगों को लगता है कि यार भाई ये शेयर मिलता ही नहीं है, एक बार ऐसे शेयर्स की चर्चा होती है और वो खुलते ही 130 रुपये पे हैं या 132 रुपये पे खुले, मान लीजिएगा जे 128 रुपये के भाव पे, तो शेयर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में आप चाहें तो SIP में ले सकते हैं कि भाई छोटी सी क्वांटिटी एक बार ले ली तो अगर कुछ बेनिफिट होगा, मान लीजिए ऊपर जाकर आपको खरीदने का मौका ना मिले तो फिर जो है वहाँ पर कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो बेस है वो 100 रुपये का, तो हमें लगता है कि अभी जो शेयर का भाव है वो 120 रुपये के आसपास है तो वहाँ पे भी कंफर्टेबल है। दूसरा जो स्पोर्ट है वो 100 रुपये के आसपास है तो वहाँ पर भी हमें लगता है कि 100 और 120 रुपये के बीच में एक अच्छा जो है एक्युमुलेशन हो सकता है। इसमें अगर हम 2021 या 22 की बात करें तो यहाँ पे जो EPS है वो तकरीबन 16 रुपये के आसपास है। 1000 करोड़ के आसपास की सेल जनरेट की थी इन्होंने 2021 में, और 22 के अंदर इन्होंने की 1400 करोड़ की, और कंपनी की मार्केट कैप भी 1100 करोड़ के आसपास ही है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें और आप देखिएगा मार्केट कैप है इस कंपनी की 1077, तो एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, बुक वैल्यू से भी जो है तकरीबन 1.5 टाइम्स मिल रहे हैं, यानी कि 1.75 टाइम्स के आसपास जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है, और 30 साल पुरानी कंपनी है ये। और इनकी सेल्स की फिगर्स के हिसाब से आपने देखिएगा प्रॉफिट, मैंने बोला 16 रुपये के आसपास है, कि इनका बिजनेस अब स्टेबल हो गया है। पहले अभी जो एक्सपेंशन ये कर रहे हैं उसकी जो ग्रोथ है वो 1 या 2 साल बाद जो है इनके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होगी। अब क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो एक क्वार्टर में ये 4 रुपये के आसपास की देखिए रिपोर्ट कर रहे हैं EPS, तो इसमें सभी तरीके के अप डाउन आ चुके हैं। तो जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021, तो एक स्टेबल सी 4 रुपये के आसपास की EPS जनरेट करते हैं। 16 की EPS आप मान के चलिएगा साल भर रूप के अंदर, और यहाँ पर आपको जो शेयर्स मिल रहा है वो 120 रुपये के भाव में, तो बिलो 10 की भी रेशो पे शेयर मिल रहा है। जो कंसर्न है वो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, फिर डेट जो है वो 639 करोड़ का है। हालांकि इनके पास वो जो पैसा है जो अदर असेट्स के अंदर भी है, आगे चल के वो एक्सपेंशन के अंदर फिक्स असेट्स में आपको नजर आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2021 में तकरीबन 146 करोड़ रुपये ऑपरेटिंग में कमाए थे, लेकिन 147 इन्वेस्टिंग में लगा दी और 3 रुपये जो है फाइनेंसिंग में इनके पास आए थे। तो कुल मिला के कंपनी जो पैसा आ रहा है उसको यहाँ पर इन्वेस्टिंग में लगा रही है, तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आगे चल के आ सकते हैं। अब ईस्टर्न इंडस्ट्रीज़ कंपनी करती क्या है कि भाई ये जो है ये इस कंपनी का NCR के अंदर जो है हेड ऑफिस है, और खटीमा जो है एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर जो है इनका मेन प्लांट है। कंपनी करती क्या है, स्पेशलिटी पॉलीमर्स बनाती है जिसमें तकरीबन 12% का हिस्सा जो है इनके पास रहता है, फिर है पोलिस्टर फिल्म्स जिसमें 67% का हिस्सा है, फिर है इंजीनियरिंग प्लास्टिक जिसमें 21% का हिस्सा है। स्पेशलिटी केमिकल्स में इनके पास 30,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, पोलिस्टर में 57,000 की है, उसके बाद मेटलाइज पोलिस्टिक फिल्म्स के अंदर है 13,200, और पोलिस्टर चिप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 67,000, और इंटीग्रेटेड प्लेयर और इंजीनियरिंग प्लास्टिक में 13,500 करोड़। तो एक डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट को ये कैटर करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई ग्लोबली क्या काम करते हैं, तो ग्लोबली देखिएगा ये बहुत सारे जो इनके यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनको ये सप्लाई करते हैं। और मेजर क्लाइंट्स हैं इनके जो है फूड एंड बेवरेजेस के अंदर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर, बैरियर पैकेजिंग के अंदर, एम्बोजिंग के अंदर, लेबल्स एंड ग्राफिक्स के अंदर, तो ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, तो बहुत डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इनके क्लाइंट्स हैं। मेजर कंसर्न्स क्या रहते हैं, देखिएगा इनका क्रूड ऑयल का प्राइस से इनका बड़ा बिजनेस इंपैक्ट होता है, और मैं इसीलिए जो है थोड़ा सा आश्चर्य कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ थे और फिर भी इस कंपनी ने अच्छा कर दिया। और प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स की बात करें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और सेल्स करती है, इट्स कंपाउंड्स ऑफ PBT, PAT, PA6, PA66, PC, ABS, POM एंड देयर रिस्पेक्टिव ब्रांड्स, तो इन चीज़ों को ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। अगर हम इनकी EPS के बारे में बात करें कि भाई इनकी EPS क्या, तो जैसे आज एक रिजल्ट आए 4.09 रुपये की EPS है और सब तकरीबन 325 करोड़ रुपए की सेल है। इससे पिछले क्वार्टर में क्या था, 303 करोड़ रुपए की सेल थी और 2.92 रुपये जो है इनके पास EPS था, और उससे पिछले क्वार्टर में यानी सॉरी पिछले साल में अगर ईयर ऑन ईयर की तरफ देखें तो 2.54 रुपये का था और 259 करोड़ की सेल थी। तो एक ग्रोथ कंपनी तो है हमें नज़र आ रही है, लेकिन मैंने आपको बोला कि चैलेंजिंग
नेचर है इसका बिजनेस का, और चैलेंजेस कंपनी के फ्रंट पे भी जो है रहे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पूरे साल भर की ईपीएस थी पिछले साल के हिसाब से बात करें 10 रुपये, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12 से 15 रुपये के बीच में ईपीएस आ सकती है, और उस केस में जो ग्रोथ है उसको देखें तो जो भी तकरीबन 52 वीक हाई है 180 रुपये, उसी के आसपास हमें लगता है कि शेयर्स आने वाले समय में ट्रेड करता हुआ नजर आना चाहिए। और सेगमेंट की अगर बात करें तो पॉलिएस्टर चिप्स एंड फिल्म्स में 266 करोड़ की सेल थी इस बार, और 57 करोड़ जो है पॉलीमर्स के अंदर थी। प्रॉफिट वाला जो बिजनेस अगर हम बात करें तो 52 करोड़ इन्होंने पॉलिएस्टर फिल्म्स में कमाए और स्पेशलिटी पॉलीमर्स में 17। तो इन सब के बावजूद जो यूक्रेन रशिया का वॉर है, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है ऊपर नीचे है, उन सब को अगर हम देखें तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि आगे चल के ये जो शेयर्स का भाव है, ये जो अपने 52 वीक आई है 188 रुपीज़ के आसपास, यहाँ तक भी आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। कंपनी स्टेबल बिजनेस कर रही है और अब डिविडेंड भी जो है कंपनी रेगुलरली पे कर रही है। पिछले 2 साल के अंदर अगर हम इनकी डिविडेंड यील्ड को चेक करने की कोशिश करें तो वो 20% के आसपास आएगी, और 21% है और फिर 20% है 21 में 22 में, तो मैं लगता है कि डिविडेंड यील्ड भी कम्फर्टेबल है। और कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ख़रीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, और ये कंपनी की वेबसाइट से हमने लिया है कि कस, और ये कंपनी ईस्टर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी फिल्म्स ये हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं फिल्म्स के या जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक है जिन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वो सब आपके स्क्रीन पर भी आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये चर्चा कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।